इस दुनिया में, पैसे के हिसाब से सभी को तुलना करता है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है। इस दुनिया में गरीबी अमीरी ये दोनों भी कागज के टुकड़ा से तुलना किया जाता है। मनुष्य के हिसाब में कागज के टुकड़ा बहुत उसको उच्च डिग्री में लेते हैं। किसी को भी पूछा गया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिचेस्ट कौन है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो सबके मुख में यही नाम निकलता है, कौन कौन दुनिया के हिसाब से बोलो कौन, बिल गेट्स। भारत के हिसाब से कौन रिच है तो पूछा गया तो किसका नाम निकलता है, मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, ये सब किसके सर्टिफिकेशन से, किसके एक हिसाब से उसको रिच कहा गया, मनुष्य के हिसाब से। परमात्मा का हिसाब से उनको कभी रिच नहीं कहा जाता है। परमात्मा के हिसाब से हम आत्माओं को रिच कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य के लिस्ट में अंबानी हो सकता है, बिल गेट्स हो सकता है, लक्ष्मी मित्तल हो सकता है, और परमात्मा के दिल के लिस्ट में हम शुद्ध आत्माएं हैं। आज आपको वो प्रूव करेंगे कैसे हम रिच हैं। दुनिया वाले रिचेस्ट इन इंडिया, रिचेस्ट इन वर्ल्ड केवल इतना बोल सकता है, लेकिन परमात्मा ने हम ब्राह्मण आत्माओं को कहते हैं रिचेस्ट इन कल्पा, रिचेस्ट इन कल्पा। कल्पा मतलब कितने साल, 5,000 साल। कोई ऐसे अमीर व्यक्ति को दिखा सकता है जो 5,000 साल तक वो अमीर है, कोई है? हम सोचते हैं अरे भैया आप क्या बोल रहे हैं, मेरा का तो बैंक का अकाउंट ही खुला नहीं, मुझे तो कभी बैंक में जमा पैसा ही नहीं किया, अभी भी मेरा पास खोला तो आपको 100 रुपया नहीं मिलते। आप कहते हैं हम रिच हैं, ये मैंने बोला, ये मैंने बोला, किसने बोला, किसने बोला? हमारे आत्मा के जन्म पत्री को जानने वाला, हम आत्माओं के रचयिता, हम सबके पालनहार भगवान बोला। तो भगवान के कहे हुए बात कभी भूल हो सकता है, भगवान का बात कभी झूठ हो सकता है? एक बात बहुत गहरे से सोचो, अगर बाबा बोला है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, सीक्रेट होता है, सीक्रेट होता है। एक मुरली में आप सबको बहुत नशा चढ़ेगा ये बात सुनने के बाद, बाबा ने कहा है बच्चे सारी दुनिया दोनों कान खोल के सुनो, कानपुर वाले कान पूरा खोल के सुनो, सारी दुनिया का, सारी की सारी दुनिया का सब प्रॉपर्टी संपत्ति एक तरफ एक तराजू में रखो, तराजू में ना मालूम है ना जो वेट करते हैं क्या सब्जी वगैरह वेट, उसको तराजू एक तरफ रखो, मेरे बच्चे जो लॉस्ट नंबर वाला है, लॉस्ट त्रेता युग में भी लॉस्ट पोजीशन, लॉस्ट नंबर है मेरा, वो एक रतन को रखे तो फिर तुलना नहीं हो सकता। कोई है ये बात कहने का हिम्मत? हम समझते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं, ना कार है, ना बंगला है, ना कुछ है, मेरे के तो जीवन में कभी भी पैसे का कभी कभी मेरे को कम पड़ता रहता है। और बाबा कहता है अमीर या गरीब भगवान के दृष्टि में देखने का दूसरा प्रकार का नजर होता है। हमारा नजर दुनिया वालों के नजर से कनेक्ट हो गया, इसलिए कागज के टुकड़े के आधार से हम उसको अमीर समझते हैं। और भगवान के नजर में अमीर वो होता है जो अपने कर्म और संस्कार से भाग्य का निर्माण करता है, वो है भगवान को हमको अमीर रूप से देखने का नजर कहा गया है।
हम सभी आत्माएं आदि से लेकर के कलयुग के अंत संगम युग में भी आगे पहुंचे हैं। तो बाबा एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, बच्चे आप बच्चे पूर्वज आत्माएं हैं, इस सृष्टि काल के आधार मूर्त है। आप लोग दुख कितना भोगा है? 20 to 25%। वो भी लास्ट समय में पूरा टाइम आपको दुख मिला है, लेकिन पूरा जीवन का यानी सृष्टि काल चक्र के हिसाब से आप जितना सुख किसने भी भोगा नहीं है। लेकिन आपको वो याद नहीं आ रहा है। क्यों याद नहीं आ रहा है? क्योंकि आप हद के दृष्टि में देखते हो, एक काल दर्शी बनते हो, प्रेजेंट के जीवन में देखते हो। हमारे दादिया देखो, कभी पढ़ाई नहीं पढ़ा, उसके पास कोई स्कॉलरशिप डिग्री जो दुनिया के हिसाब से होता है वो नहीं है, लेकिन दादिया संकल्प भी नहीं करते है, उसके पास सब कुछ चुकता है। अगर दादी जहां भी पांव रखते हैं तो पूरा प्रकृति उसके पीछे दासी होने के लिए तैयार है। आज जानकी दादी का टाइम कैसा हो गया है, भविष्य महाराजन का एक दृश्य हम देख सकते हैं। 100 साल पूरा होने के बाद भी उसको एक सेपरेट चार्टर्ड फ्लाइट है, और दुनिया में कोई भी मंत्री महामंत्री, कोई भी प्रेसिडेंट और कोई भी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इतना सही नहीं करता है। भोजन एक जगह पर, नाश्ता एक जगह पर, और रात का डिनर एक जगह पर। तो दादी युवाओं से इतना जमा कर दिया खजाना, उसके पीछे सब प्रकृति सेवा करने के लिए वाह वाह कर आता है। हमको देखने में आता है दादी के पास इतना क्यों आता है, दादी को क्यों इतना सब देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है दादी ने कौन सा कर्म किया होगा जो सारा प्रकृति झूम जाता है। भाइयों बहनों, बिना कोई श्रेष्ठ कर्म से, बिना पुण्य के कर्म से प्रकृति दासी नहीं होता। अगर प्रकृति को दासी होना है तो हमारे पास पुण्य की खाता बढ़ाना है। बहुत बाबा के बच्चे, बहुत बाबा के बच्चे पाई पैसे के लिए कागज के टुकड़े के पीछे बात करके, चने के पीछे बात करके रतन गवाते हैं। मैं आपको एक सुंदर अनुभव बताता हूँ। किसी समय में एक भाई था, वो ध्यान में था, उसको बाबा का यह महावाक्य उसके दिल में उतर गया कि बच्चे चिना के पीछे नहीं बाबू, हीरे के पीछे, हीरा आपके हाथ में भगवान दे रहे, ये समय बहुत मूल्य है, आपके आत्मा का जमा करने का खाते के ऊपर आप समय दे रहे। वो भाई भगवान जाने के लिए टिकट रिजर्व कर दिया था 3 महीने के पहले। उसको ऐसा एक ऑफर आ गया कि जब वो मधुबन चले गए तो उसको 5 लाख रुपए का कुछ प्रॉफिट आने का एक प्रसंग आया, एक टाइप दृश्य बना, कर्म का फल आया। लेकिन उसको मधुबन जाने का टिकट कैंसल किया तो उसको उस समय उसका हाजिरी होता है तो उसको वो पैसा मिल जाता है। अगर वो टिकट नहीं कैंसल किया तो ये मौका उसको कट हो जाता है, यानी उससे दूर हो जाता है। तो सारा पब्लिक, सारा घर वाले बोला आप मधुबन जाना बंद करो, आप 1 हफ्ते के लिए आप अपना दुकान बंद कर दे, तो इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा आपको, 5 लाख रुपया ऐसे बिजनेस देने वाला आ रहा है। वो भाई ने निश्चय किया चाहे 5 लाख नहीं 5 करोड़ मुझे मिस हो जाए, मैं आत्मा के प्रॉपर्टी को ही जमा करने के लिए जाना है। ऐसे दृढ़ संकल्प करके 1 हफ्ते के लिए पूरा सुनो बाद में तालियां बजाओ। वो क्या किया, 1 हफ्ते के लिए वो बोर्ड लगा दिया, मेरा इस दिन से इस दिन मैं नहीं रहता हूँ, बाद में ही ये शाप खुलेगा। वो मधुबन चला गया, एक बल एक भरोसा रखकर के चला गया। जो बिजनेस डील करने वाला आया वो थोड़ा बाबा के मधुबन में जाके आए हुए व्यक्ति था। उसको पता चला ये व्यक्ति जो इनको बिजनेस देना है, प्रॉफिट देना है, डील करना है, वो व्यक्ति बाबा का बच्चा है। उसने क्या किया, जो वो दूसरे को बिजनेस दे सकते थे वो रुक करके और उनके 2 दोस्तों को इसके बारे में बोल करके 5 लाख देने के प्रॉफिट, वो भाई आने के बाद 10 लाख का प्रॉफिट उनको करा दिया। किसके पीछे भागा, किसके पीछे भागा, आत्मा के प्रॉफिट के पीछे भागा। तो शरीर का प्रॉफिट उसके पीछे आया।
कई बाबा के बच्चे होता है, बहन जी आज बड्डे है ना, थोड़ा अपना आत्मा का प्रॉफिट करो। तो नहीं बहन जी, मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे तो प्रॉफिट मिलने का टाइम है, आई एम सॉरी मुझे बिजी है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, तो बहुत मजा में आते हैं। एक बार लक्ष्मी का भगत एक था, नारायण का भगत एक था, दोनों भी दोस्त थे। बात यह होता था लक्ष्मी के भगत के जीवन में प्रॉफिट लॉस ऐसे बहुत घाटा फायदा उसको ऊपर नीचे होता था। जो नारायण का भगत था उसका आराम से सब कुछ जीवन चलता था, उसको कभी भी लॉस प्रॉफिट वैसे नहीं होता था। फिर लक्ष्मी के भगत को एक तरह का जलन हो गया, और जाकर के नारायण के भगत को जो उसका दोस्त है उससे पूछते, अरे यार आप तो नारायण के भगत को बोला है तो आपको धोखा होना है, यानी आपको तो घाटा पड़ना है, मैं तो लक्ष्मी माँ का भगत हूँ, मेरे जीवन में क्यों ऐसे प्रॉफिट लॉस होता है। तो नारायण के भगत ने कितने अच्छे से समझाया, अरे यार मैं तो हमेशा नारायण को पकड़ता हूँ, आप तो लक्ष्मी को पकड़ते हो, लक्ष्मी कभी कभी आपके पास आता है, कभी कभी नारायण के पास भाग के आता है, इसलिए आपको कम ज्यादा होता है। मैं नारायण को पकड़ता हूँ ना, बिना मांगे मुझे क्या हो जाता है, लक्ष्मी ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट में मिल जाता है। तो हमारा नारायण कौन है, ये लक्ष्मी कौन है, ये लक्ष्मी कौन है, धन, दुनिया के हिसाब से धन। वो लक्ष्मी के पीछे जाएंगे तो वो कभी आएगा कभी भाग जाएगा, ये नारायण को पकड़े तो वो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि नारायण के साथ हमेशा लक्ष्मी हाजिर रहता है। इसलिए बाबा हमको कहते हैं, बच्चे जन्म जन्म के कमाई करने का ये मौका आपको बहुत विरल मिलता है, मुझे एक बाप को इस समय अपना संसार बना लो तो बहुत जन्म आप कैसे रहेंगे, सुरक्षित आनंद और बहुत बहुत धनवान बन जाएंगे। ऐसे ही दूसरी कहानी सुना, एक बार लक्ष्मी सरस्वती, सरस्वती सभी जानते हैं ना, ये लक्ष्मी सरस्वती दोनों को झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हो गया, लक्ष्मी कहते हैं मैं अति सुंदर, सरस्वती कहते हैं मैं अति सुंदर। तो दोनों मिलकर के वैकुंठ में गया, नारायण का जो उसका स्थान होता है, तो नारायण गुम हो गए, ये दोनों को राजी करना मुझे नहीं होता। फिर कैलाश गया, शंकर महादेव वो भी गुम हो गया, और ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मदेव भी गुम हो गया। और ये दोनों का झगड़ा सॉल्व करने वाला कौन है, इसे सोचता रहता था, बीच में अटक गया नारायण, नारायण नारद उसको पकड़ के, ए नारद हम दोनों में कौन सुंदर है, आपको और फैसल करना है, नहीं तो आपको ब्रह्मचारी नहीं संसारी बना देते हैं, इसे बोल करके डराया। और नारद को थोड़ा डर लगा कि क्या देवी मुझे पकड़ लिया आप लोगों ने, मैं कैसे आपको बताओ, आप दोनों को कैसे राजी करो, ऐसे वो थोड़ा अप्रसन्नता दिखाया। फिर नारद ने एक मिनट सोच करके बताया, हाँ मैं बताता हूँ आप दोनों में कौन अति सुंदर है, लेकिन आपको मैं एक टेस्ट करना है, अरे करो। तो बोला आप कैट वॉक करना है, क्या बोलते हैं कैट वॉक, बिल्ली जैसे कैट वॉक, बिल्ली जैसे स्टाइल करके यहां से जाना वहां से आना, ऐसे उनको बताएं। तो दोनों भी किया, कितना अच्छी रीति से नारायण ने उन दोनों को संतुष्ट किया मालूम, आहा आहा लक्ष्मी आते समय कितना अति सुंदर है, सरस्वती जाते समय कितना सुंदर है, यानी गाल देते हुए कितना सुंदर है, और पैसे आते हुए कितना सुंदर है। इसका मतलब, इसीलिए बाबा का मुरली में महावाक्य है, जो ज्ञान धन को बहुत धान करता है, स्थूल धन उसके पीछे परछाई की तरह आता है। ये सभी ने नोट किया, अगर आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी होता है तो आप पैसे के पीछे नहीं भागो, पुण्य कर्म के पीछे भागो, पुण्य कर्म यानी ज्ञान रत्नों को सभी को दान करने में लगा दो, आपका जीवन में पैसे की कमी दूर हो जाता है, क्योंकि जितना ध्यान धन देते रहेंगे स्थूल धन आपको मिलता रहेगा, कभी को भी प्रकृति हमको धोखा नहीं देगा। समझ में आया डायलॉग, समझ में आया। अभी आप सभी 3 दिन यहाँ भट्टी में है तो कितना कमाई किया है वो आपको इस भट्टी कंप्लीट यानी अभी की क्लास के लास्ट में पता चलेगा। अभी चलो हमारा हिसाब को हम सभी आज देखेंगे। बाबा हमको कई मामलों में कहते हैं आपका कमाई कितना है, कदम कदम पर, कदम कदम पर, अब
आपको पता है एक पदम कितना वैल्यू में पता है? देखो मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ और शास्त्रों में जो उल्लेखित है वो बातें भी आपको यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो आपका कमाई क्या है सुनेंगे तो आप ऐसे ही चक्कर में आ जाएंगे। सुनो पे 100 लाख 100 करोड़ 1 अरब 100 अरब 1 अरब 100 करोड़ 1 नील 100 नील 1 पदम करोड़ अरब करोड़ नील पदम। समझ में आया? 100 लाख कितना? 1 करोड़। 100 करोड़ कितना? 1 अरब। 100 अरब कितना? 1 खरब। 100 खरब कितना? 1 नील। 100 नील कितना? 1 पदम। समझो, एक एक कदम में पदम। कदम का मतलब आपका एक श्रेष्ठ सोच, आपका एक श्रेष्ठ संकल्प, आपका एक निस्वार्थ भावना, उसका भी भगवान हमारे आत्मा के खाता में जमा के रूप में भाग्य दे देता है। वो रखता नहीं। दुनिया में 1 मिनट में लाभ कमा सकता है, लेकिन अरब खरब तक भी पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वो भी बहुत साल के बाद मिलना भी मुश्किल है। लेकिन बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों आप धन के पीछे क्यों भागते? धन आपके पीछे भाग के आएगा सेवा करने के लिए, ऐसे माला माल आप बनते हैं। लेकिन इतने में ही हमारा कमाई कम नहीं होता है। मैं आपको एक कैलकुलेशन के रूप में बताता हूं, मुझे एक कोऑर्डिनेटर की जरूरत है। कौन आएगा इधर? एक कोऑर्डिनेटर। मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। भाई आप देख नहीं सकते हैं, वो बोर्ड को देखना है तो आपको पता चलता है। आप अच्छा, एक तो जरूरत है, एक देखो मैं अल्लाह नौला अव्यक्त बाबदादा का मिलन जो पिछले साल बदबन गए था, तब बाबा के मिलन करते समय बाबा ने रिचेस टीम कल्पा के बोली ही उस दिन रिवाइज कोर्स हुआ, तब मुझे एक संकल्प आया, क्यों ना हम सभी बाबा के इस बात को लेकर के सभी को अनुभव कराया जाए कि हमारा भाग्य भगवान के द्वारा कैसे मिलता है। लकी अदृष्ट से या संजोग से मुझे एक शास्त्रों का उल्लेख मिल गया जो कितना जीरो पढ़ने से कितना कैलकुलेशन होता है, वो पद्मों के भी कमाई, एक पदम नहीं पद्मा पदम बाबा बोलता है, उसका एंड रिजल्ट कितने कैलकुलेशन को लॉस्ट होता है, वो आपको सत्यों में वो मिलता है और उससे भी आगे कितना मिलता है, हमारा बैंक आत्मा के बैंक में कितना भाग्य है वो आपको अभी बताता हूँ। अभी ये कैलकुलेशन जो है एक हिंदी में नहीं है, दूसरी भाषा में नहीं है, ये तेलुगु में है। इस भाषा में है, तेलुगु में है, लेकिन शब्द एक ही चेंज होता है, बाकी आपको उस कैलकुलेशन का वैल्यू पता चलता है। सबको समझ में आ रहा है? एक कैलकुलेशन तेलुगु में है लेकिन आपको वो जीरो से वैल्यू पता चलता है, हमारा आत्मा का खाता कितना मिलता है। सभी सीखेंगे, सभी का नजर बोर्ड पर रहना है, आप लंबा लंबा लिखना है क्योंकि सबको देखना है। अब केवल वैल्यू डलते जाएगा, जब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता हूँ तब आप जीरो ऐड करते जाएंगे। ओके, इस तरफ आता हूं। अभी एक डालो, वन लंबा और भी सभी को देखने में आता है लास्ट वॉल। अभी क्या करेंगे, मैं कैलकुलेशन को बोलता रहूंगा, भाई साहब जीरो डालते रहेंगे। ओके, पहले रहो, नेक्स्ट बोलेंगे तो जीरो डालो। इसको तेलुगु में कहते हैं ओकाटी। एक बार बोलो, भाषा अलग होते क्या है, आपको थोड़ा तो सीखने को मिलता है। ओकाटी बोलो। नेक्स्ट पदी, पदी बोलो। नेक्स्ट वंदा। नेक्स्ट नेक्स्ट पद वेलू। नेक्स्ट लक्ष। नेक्स्ट पद लक्षलू। नेक्स्ट कोटि। नेक्स्ट पद कोटलू। नेक्स्ट शतकोटि। नेक्स्ट
सहस्त्र कोटि नेक्स्ट, अनंत कोटि नेक्स्ट, ज्ञानब्दम नेक्स्ट, कर्मम नेक्स्ट, महाकर्मम नेक्स्ट, पदमम नेक्स्ट. कितना जीरो है एक पदम के लिए काउंट करो? 17. 15. 15 जीरो. एक पदम के लिए कितना जीरो? 15 जीरो. 15 जीरो को एक पदम कहते. तो आप बाबा के घर में झाड़ू उठा करके, बाबा आपके मेहनत सेवादारी हो, ऐसे झाड़ू पहुंचे तो भी आपको कितना पदम मिल जाता है जरा सोचो. एक कुर्सी उठाया बाबा के घर में, उसमें भी मिल जाता है. आप बाबा के लिए छोटा सा तनखा जितना सेवा किया तो भी आपके पदम का कमाई हो जाता है. दुनिया में झाड़ू पहुंचने पर 10 रुपया देने में भी कंजूसी करता है. और भगवान आप कुछ नहीं कर सकते, बैल के प्रकृति को मनसा सेवा किया तो भी आपको पदमा का कमाई हो जाता है. बीमारी हो, बेड पर पड़े हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो मनसा में शुद्ध भावना ये सबके प्रति करो. प्रकृति को भी आप पावन बनाने की सेवा करो तो भी आपको पदम की कमाई हो जाएगा. इतने में कम नहीं होता है. अभी लंबी लिस्ट है, बोलता हूँ सुनो. पदम हो गए ना, पदम के बाद और भी आगे है. नेक्स्ट महापद्मम बोलो. नेक्स्ट शेनी. नेक्स्ट महाशेनी. नेक्स्ट शंकम. नेक्स्ट महाशंकम. नेक्स्ट शिति. नेक्स्ट महाशिति. नेक्स्ट शेवम. नेक्स्ट महाशेवम. नेक्स्ट निधि. नेक्स्ट महानिधि. नेक्स्ट पराटम. नेक्स्ट परातम. नेक्स्ट अनंतम. नेक्स्ट सागरम. नेक्स्ट अव्ययम. नेक्स्ट अमृतम. नेक्स्ट अविद्यम. नेक्स्ट अमेयम. नेक्स्ट भोरी. नेक्स्ट महाभोरी. यू नो दिस इज 36 जीरोस है. इसीलिए हम सत्युग में 36 प्रकार का भोग हर दिन लेते हैं. हर टाइम के लिए 36 प्रकार होता है. इतना तक शास्त्रों में उल्लेख है ये खजानों के ऊपर. कोई बैंक में इतना है क्या क्वेश्चन? कोई दुनिया के व्यक्ति इसको बता सकता है इसका वैल्यू? कोई अरब करोड़पति के भी ऊपर, पदम के भी ऊपर, पद्मा पदम, पद्माओं की कमाई, पद्मा पदम. एक दिन में आप सभी ने एक कल से आज तक कितना कमाई किया? तो महाबोरी का कितना? महाबोरी. यहाँ बैठे हुए सब ऑर्डिनरी नहीं है. महाबोरी क्या है? महाबोरी. महाबोरी मतलब क्या है? एक पदम नहीं, दो पदम से भी ज्यादा. एक पदम के लिए कितना जीरोस है? 15. दो पदम के लिए कितना जीरोस है? 30. तो महाबोरी किसने में आता है? 36. कितना है आपका प्रॉपर्टी? आपके घर में कोई आकर के पूछता है, वो ओम शांति में जाकर के क्या करके आया? बोलो हम महाबोरी बन के आए. महाबोरी. ओके, बताता हूँ भाई जी. आप तो हमको सपनों जैसे ही दिखा दिया है क्या? आप बताता हूँ, आप सबको बाबा के ऊपर निश्चय है. बाबा के ऊपर निश्चय है. बाबा कहते हैं आप देवता थे, ये मानते हैं. बाबा कहते हैं आप सभी डायमंड के घर में रहते हैं. ऐसे लाइट नहीं होता है जो चमक 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 इलेक्ट्रिक लाइट, वहां सभी ऐसे लाइट होता है. सत्य में डायमंड के लाइट होता है. ये सब सुना मुरली, आने वाले दुनिया कैसा होगा? 1981 या 1980 में पहले मुरली है. पढ़ना है, पढ़ करके एंजॉय करो तो आपको पता चलता है सतयुग का एक सिस्टम कैसा चलता है, काल पाल कैसा चलता है, वहां आपका राजभाग कैसा होता है. अभी सुनो, अभी के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से एक ग्राम का सोना है जो गोल्ड है, उसका दाम कितना? 4000 अप्रोक्सीमेटली लेंगे. 4000 वन ग्राम गोल्ड कलयुग में उसका कितना वैल्यू है, मोल है, मौल्य है? 4000. अभी आप एक बार अपने आप को सत्य में घुमा करके देखो, अपने बुद्धि को. वहां खाने वाले चमच गोल्ड, ब्रश करते हैं ना वो भी गोल्ड, पहनते हैं चप्पल वो भी गोल्ड, और सोते हैं खटिया
वो भी गोल्ड, और घर बनता है गोल्ड, हीरों से रहता है, रत्नों से सजे हुए रहता है। दुनिया के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से, सत्युगों के एक पुष्पक विमान को दे दो, देखो उसको इस यहाँ के वैल्यू से अप्यारी किया तो आपको उसको कैलकुलेट करना होता है क्या? बोलो, ईंटे, ईंटे क्या है? गोल्ड का होता है, यह मिट्टी का ईंट जैसे होता है घर बनाने में, वहां गोल्ड का ईंट होता है। तो एक गोल्ड का ईंट से घर नहीं बनता, एक महल बनना है तो कितना ईंटे होता है। वहां का प्रॉपर्टी को यहाँ दुनिया के कैलकुलेशन में किया तो क्या वो महाबोरी नहीं आता है? महाबोरी नहीं आता है, पद्मों का नहीं आता है, पद्मों का नहीं आता है। एक बार सोचो, ऐसे भोग विलास हमें एक जन्म में नहीं होगा है। कितने जन्म होगा है? पूरा सतयुग में, यानी 1250 साल, वो भी एक एक शरीर में कितने साल तक होगा है? 150 साल, 150 years। वैसे हमने पूरा सतयुग में भोग किया है। अब त्रेता युग में भी हमारा कुछ भी सुख कम नहीं होता है, थोड़ा कुछ ऐसे वैसे अधूरा होता है, तो वो भी भोग के आया। पूरा सतयुग का प्रॉपर्टी कलयुग में आप अगर डिपॉजिट कर दिया तो क्या महाबोरी नहीं होता है? वैल्यू नहीं होता है का? सतयुगों के एक जन्म का आपका लाइफ स्टाइल को देखो, एक दिन का आपका भोग को देखो, कैसे देवताएं वहां क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं, और उसके पहने हुए कपड़े वो सब भी कैसा होता है? हीरों से होता है। उसके ताज कैसा होता है? क्यों सोना और हीरे रत्न जड़ित होता है। वो उसका एक ड्रेस को आप कैलकुलेट किया, सतयुगों का एक हीरा को आप क्या कैलकुलेट किया तो भी वो महाबोरी के प्रॉपर्टी से भी ज्यादा होता है। पूरा सतयुगों का प्रॉपर्टी आप खरीद के दाम में कैलकुलेट किया तो हमारे आत्मा के कमाई कितना होता है? कितना होता है? पद्मा पदम, बोलो कितना होता है? बोलो, किसी के पास कीमत है 100,000, हजारों साल, 2,500 के सत्युग का प्रॉपर्टी कलयुग के वैल्यू से आप कैलकुलेट किया तो क्या हो जाता है? चक्कर आ जाता है, चक्कर आ जाता है। दुनिया के हिसाब से प्रॉपर्टी को कागज के टुकड़े से वो लोग तुलना करता है, और भगवान क्या देखता है? आपने किस तरह से अपना जीवन को भाग्य से कर्म का फल खा के पी के मौज करके आया, वो सब देख करके बताते हैं यहाँ का कर्म ही वहां का भाग्य आपका निर्माण होता है। इसलिए संगम युग का एक एक सेकंड भगवान के हिसाब से एक एक साल का हिसाब होता है। यहाँ का भाग्य वहां का कर्म का फल दोनों मिल जाता है। इसलिए यहाँ बैठने वाले कोई बिल गेट से भी कम नहीं, कोई अनिल अंबानी से भी कम नहीं, कोई लक्ष्मी मित्तल से कम नहीं, दुनिया से सबसे बड़ा रिचेस्ट विकल्प है तो हम है, हम है, हम है। आगे चलकर एक दिन ऐसा आएगा सारी दुनिया का रिच कौन है देखने में एक दिन आ जाएगा। आज के दिन सभी किसके पीछे भाग रहा है? जिसके पास पैसा है। एक दिन ऐसा आएगा, जैसे आप सबको भी ट्रायल हो गया ना, जब मोदी जी बैन किया जो 500 का 1,000 का नोट जो पुराना, तब दुनिया का हालत क्या हो गया था? सब पेपर के टुकड़े जैसे गटर में गिरा दिया, माना कागज के टुकड़ों है, तब तक वैल्यू होता है जब गवर्नमेंट में वैल्यू होता है। लेकिन भगवान कहता है आपका प्रॉपर्टी आप खुद ही बोलता है, दूसरा उस पर नजर भी नहीं रख सकता है, क्योंकि सत्युग में किसी को कमी ना होने के कारण किसी भी तरह से कमी नहीं होता है। आप ना हॉस्पिटल में जाना होता है, ना कोर्ट के पीछे जाना होता है, ना किसी के लिए मांगना होता है कि मेरे वसा मेरे देखो, मेरा पैसा मेरे देखो, और मजबूरी से काम नहीं करना पड़ता है, किसी का गुलाम नहीं बनना सकता है, कोई भी बिजनेस नहीं करना होता है, क्योंकि वो सब कमाई अभी आप जो बट्टी में कमा रहा है, इतने साल आप बाबा के ज्ञान में आकर के बाबा को प्रत्यक्ष करने का सेवा जो कर रहे हैं, दिन रात बाबा को याद करके प्रकृति को पावन बनना के सेवा कर रहे हैं, उस सब का फल बाबा हमारे पास रखता नहीं, उसको अनगिनत रूप से महामौरी के रूप में दे देते हैं। तो हमसे भी बहुत तकदीरवान कोई हो सकता है, बाबा से बड़ा एस्ट्रोलॉजर इस दुनिया में हो सकता है, जो हमारे भविष्य में भी लिख दिया है, मेरे बच्चे रिचेस्ट इन कल्पा, बोलो नहीं, बोलो सभी, मैं आत्मा रिचेस्ट इन कल्पा, मैं आत्मा रिचेस्ट इन कल्पा, मैं आत्मा रिचेस्ट इन कल्पा। आपका आवाज ब्रह्मांड को पहुंच गया, आपके कातर ने समाप्त हो गया।
समझ में आया? समझ में आया? देखिए, मैं एक कहना चाहता हूं, हमारा भाग्य बनता है केवल जो नदी से पानी लिया, जो सागर से पानी लिया, उसी पानी को सागर में डालने से ही भाग्य बनता है। मेरे पास समझ में आया? हमको जो कुछ मिला है वो किससे मिला है? किससे मिला है? पक्का? पक्का? तो उसी को देने के नाम में हमारा दाम बन जाता है, हमारा भाग्य होता है। बाबा कभी कुछ खाता पीता है? खाता पीता है? अगर बाबा खाते तो कोई लोग शायद वो भी करने में कंजूसी करता हो, खाता नहीं। और नाम रखते क्या? बाबा का। खाते कौन? एक भवन बनाते हैं तो किसका नाम रखते हैं? और किस काम में यूज करते हैं? जगत कल्याण के काम में। बाबा के लिए वो काम कर रहे हैं, खुद के बाकी के लिए वो काम कर रहे हैं, खुद के। हमारे जीवन में धान करने का संस्कार नहीं है तो ग्रहचारी बैठता है, ये सब पक्का करो। जिसके जीवन में बहुत लॉस होता रहता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास बहुत पैसा जाता रहता है, जो कमाते हैं वो भाग्य बनाने से ज्यादा उसका पैसा वैसे ही पानी जैसे पिघलता रहता है, तो उसका कारण है श्रेष्ठ कर्म में धन को यूज नहीं किया। संगम युग में धन को बाबा ने एक बात कहते हैं, वो है लक्ष्मी। दुनिया में शास्त्रों में भी उल्लेखित है, पैसे को दो नाम से बोलते हैं, एक होता है धन, दूसरा होता है लक्ष्मी। धन उसको कहते हैं जो काले रूप से आते हैं, चाहे ब्लैक मनी हो, जो अच्छी रीति से ऑनेस्ट रूप से एक क्या कहे प्रामाणिक रूप से कमाया नहीं तो उसको धन कहते हैं। जो धन दूसरों के सुख देने जैसे कमाया, जो धन किसी को भी हिंसा करके नहीं कमाया, बहुत सच्चाई सफाई से कमाया, उसको धन नहीं कहते, उसको लक्ष्मी कहते। समझ में आया? धन और लक्ष्मी में अंतर समझ में आया सबको? धन अलग है, लक्ष्मी अलग है। जो रिश्वत के रूप में लेते हैं उसको धन कहते हैं, जो पुण्य के रूप से कमाते हैं, भाग्य के रूप से कमाते हैं, बिना मेहनत वो आपके पास आता है, बहुत गौरवान्वित रूप से, बहुत सत्कार सम्मान से आपके पास आता है, इसको कहते हैं लक्ष्मी। हमारे जीवन में ऐसे एक संभावना हो जाता है, लक्ष्मी की कमी पड़ जाता है, फिर भी हम इतने अच्छे बच्चे हैं बाबा के, जो सच्चाई सफाई में रहते हैं। बाबा दाल रोटी के लिए हमें कभी कम नहीं होने देता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम भूखे मरना बाबा नहीं चाहते हैं। वो खुद नहीं खाता है लेकिन हमको तो खिलाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ग्रहचारी कभी बैठता है जब दान का संस्कार नहीं। धन तीन रूप से कच्चा होता है, एक दान के रूप में, दूसरा भोग के रूप में, तीसरा किसके रूप में होता है? धान के रूप में धन कच्चा होता है, भोग के रूप में कच्चा होता है, तीसरा नाश के रूप में कच्चा होता है। धन का तीन रूप होता है। आपके पास धन आया, अगर आपने धन को उचित रूप में काम में नहीं लगाया, थोड़ा परसेंटेज मैं आपको स्पष्ट करता हूं, अगर आपके पास समझो 100 रुपया आया, मेरे भाई बहनों सभी मेरे बात ठीक से सुनो, आपके पास 100 रुपया आया, उसमें चाहे 5 रुपया हो या 10 रुपया हो, मैं पूरा नहीं बोलता, चाहे 5 रुपया हो 10 रुपया हो, उसको दान के रूप में यूज करो, यानी श्रेष्ठ कर्म में यूज करो। 100 को 10 या 100 को 5 आपका मन, आपका जैसा चॉइस है, आपका जैसा अवसर है वैसा यूज करो, उसको दान में लगाओ। अगर आपने दान मना श्रेष्ठ कर्म, दुनिया वाले उसको ब्राह्मणों की सेवा के लिए लगाते हैं, बाबा तो हमको ब्राह्मणों के पालना में देते, फिर उसको पद्मा पदम बनाने में हमको दे देते हैं। अगर आपके पास धन आया है, 100 रुपया आया है, तो 5 रुपया या 10 रुपया आप दान में लगाओ। अगर आपने दान में नहीं लगाया, या तो वो नाश हो जाता है, या तो वो भोग में चले जाता है। भोग यानी क्या? भोगना, दुर्वटा, सफरिंग, उसमें चले जाता है।
कई लोग पूछते हैं भाजी मैं बाबा के बच्चा बनने के बाद क्यों मुझे इतना बीमारियां। तो मैंने भी बहुत रिसर्च किया उसके पीछे, मुझे पता चला कि इसका मूल कारण यही है वो ज्यादा कमाते हैं, कभी भी ईश्वर की सेवा में थोड़ा भी पैसा नहीं रखते हैं। ये दुनिया का नियम है, ये यूनिवर्सल लॉ है, जो आपके पास है उसमें थोड़ा तो कम से कम 5 या 10% उसको आप श्रेष्ठ कर्म में नहीं लगाया तो वो पैसा आपके पास रुकते तो नहीं, वो तो भोग में चले जाएगा या तो नाश होता जाएगा। इसीलिए परमात्मा त्रिकालदर्शी बनकर हम बच्चों के लिए भाग्य के लिए एक बहुत सुंदर एक सिस्टम बनाया, वो है भंडारी। क्या हो भंडारी बताता हूँ उसका पीछे रहस्य क्या है। भंडारी कई लोग पूछते हैं ब्रह्म कुमारी तो पैसा वैसा नहीं लेता है फिर भी कैसे ये संस्था चलता है। वो संस्था इस आधार से चलता है, वो भंडारी क्या है मैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से बताता हूँ, मेरा अनुभव भी आपको शेयर करता हूँ। पहले इधर रख लीजिए, बाद में हम क्लास होने के बाद जैसा आपका सिस्टम है उसको उसका कपड़ा खोल दो, कपड़ा खोल दो। देखिए हमारे पास भाई बहनों सुनो, हमारे पास जो पैसा आता है वो पैसा हम ही खुद भुगते हैं, उसके पीछे सब लोग के कनेक्शन होता है। सोचो एक परिवार में एक व्यक्ति 10,000 कमाते हैं, वो 10,000 एक ही व्यक्ति कमाते हैं उसका भुगते हैं या उसके परिवार वाले भी उसमें भुगते हैं, बोलो परिवार वाले। इसका मतलब क्या है, जो पैसे हम कमाते हैं उसका शेयर पार्टनर बहुत होते हैं, उसका शेयर पार्टनर बहुत होते हैं। लेकिन सत्युग में ऐसा नहीं होता है, सत्युग में ऐसा नहीं होता है। जो भाग्य आप इधर संगम में कमाते हैं वो पूरा की पूरा भाग्य आप आत्मा ही पूरा उम्र तक भोगते हैं, लेकिन कलियुग में वैसा नहीं। एक कमाते हैं 10 खाते हैं, एक कमाते हैं 10 एंजॉय करते हैं। तो सोचो एक घर में एक सदस्य एक महीने में 20,000 कमाते हैं और उसको ऐसे बच्चे मिला है जो जो पैसे को बर्बादी करता है, तो आपने 20,000 कमाया और बच्चे ने उसमें 10,000 तक बर्बादी किया तो किसके लिए कमाया बहने भाइयों, किसके लिए कमाया। इसका मूल कारण क्या है, आपने कभी भी पैसे को श्रेष्ठ कर्म में नहीं लगाया। अगर आपने श्रेष्ठ कर्म में नहीं लगाया तो भाग्य से ज्यादा नाश होता है, भोगना में चले जाता है। एक बहन ने ये भी आपको अनुभव सुना देता हूं, ये दिल्ली में एक सेंटर में प्रयोग किया गया। एक बहन को हर महीने केवल उसका शरीर के हेल्थ के लिए दवाई के लिए 15,000 खर्च होता था, 15,000 पर मंथ खर्च होता था। हर महीना उसको 15,000 दवाइयों के लिए उसको यूज करना है। उसको मालूम पड़ा मेरा भुगवटा का कारण मेरा खुद का भूल है, मैं कभी भी 100 में 5 रुपया भी श्रेष्ठ कार्य में नहीं लगाया। इसीलिए ये दुनिया का ये कुदरत क्या कर किया, ये पैसा जो दान में जाने के बदले नाश होता गया, उसको समझ आ गया। तो उसने क्या किया, सेंटर में एक भंडारी रखा गया, उसका दूसरा नाम से रखा गया जो ग्लोबल हॉस्पिटल के नाम से भंडारे रख गए। वो बहन क्या करता था, हर महीने 500 डाल करके एक साल तक वो भंडारी भरा। भरने के बाद निमित्त बहने वो पैसे लेकर के ग्लोबल हॉस्पिटल में उसको बाबा की सेवा में लगा दिया। जो मरीज होता है जिसको पैसा नहीं होता है ट्रीटमेंट लेने के लिए, बहुत अच्छी भावना से पैसा डालता था, ये पैसा जो बहुत बहुत प्रॉब्लम में है जिसका बीमारी बहुत बढ़ गया है उसको इलाज में इस्तेमाल हो, उसका ब्लड रिपोर्ट कोई भी नेगेटिव ना हो, सब कुछ अच्छे ही आ जाए, उसका रिजल्ट सब भी कभी भी भयानक बीमारी के रूप में ना आ जाए। ऐसे भावना करते करते पैसा डालते गया। वो पैसा जब ग्लोबल हॉस्पिटल में पहुंचा 2-3 महीने में उसका रिजल्ट ऐसे आ गया जो 15,000 की गोली खाता था वो 10,000 तक आ गया। वैसे ही कंटिन्यू करते करते अभी वो बहन का जो बीमारी के लिए जो 15,000 का पैसा खर्च करता था अभी केवल 500 में रुक गए, 500 रुपया में रुक गया।
बैलेंस होता है, बैलेंस जहां बैलेंस होता है वहां ब्लेसिंग होता है। हम समझते हैं मैं इस भंडारी में जो डालता हूँ ये कौन खाता है, टीचर मेरी खाता है, ये अच्छी काम करते, ऐसे लॉजिक नहीं रखो। हमारा काम ही नहीं कुछ सोचने का, मैं इसको भंडारी नहीं कहता हूँ, मैं इसको मैजिक बॉक्स कहता हूँ। दिस इज मैजिक बॉक्स। जीवन में मैजिक होना है तो मैजिक बॉक्स को यूज करो। मैं अपना खुद का अनुभव आपको दिल से बोलता हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था तब कोई 15 साल 20 साल के पहले, आई थिंक 96-97 की बात बोल रहा हूँ, तब मेरा पिताजी मुझे महीने में कच्चा के लिए केवल 100 रुपया देता था। मैं डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ता था और एक हॉस्टल में मजबूरी से रहता था और उस समय कोई फोन वगैरह नहीं। मुझे 50 रुपया की बहुत जरूरत थी। मैं रोज कॉलेज होने के बाद बाबा के घर भागते थे। उस समय की मुरली ऐसे आते थे तो मुझे दिन बहुत दिल चिंता था कि मुझे इस गदाई से बाहर आ जाना है, बाबा के सेवा में लगना है, लेकिन मुझे कैसे रास्ता चलना है मालूम नहीं। उस समय मेरा उम्र बहुत छोटा था तो बाबा के मुरली एक पढ़ने का आदत मुझे पहले से थे, तो मेरे पास पैसा नहीं। बाबा कहते थे बच्चे आप एक कदम में भी पद्मों की कमाई करते हो, सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। ऐसे बाबा का महावाक्य सुना। मुझे कितना जरूरत था, 50 रुपया, और मेरे पास कितना है पूरा महीने के लिए खर्चा के लिए 50 रुपया। मैं क्या किया, बिना कुछ संकल्प करते, बिना कुछ रीति से भी अपने भावना को दूसरी रीति से ना लेते हुए वो 50 रुपया ले करके भोलानाथ के भंडारे में डाल करके चुपचाप शांति में हो गया, बाबा मेरा पूरा प्रॉब्लम तुम्हारा, मेरा था पूरा जिम्मेवारी तुम्हारा, मुझे क्या देना है क्या लेना है सब कुछ तुम्हारा। ऐसे में चुप हो गया, निश्चिंत हो गया। एक हफ्ते के बाद मेरे रिश्तेदार के मुझे खास ढूंढ करके आकर के जाते वक्त मेरे जोत में 2000 रखे गए। कौन सा मैजिक हुआ इधर? ये भंडारी नहीं भैया, ये भंडारी नहीं, ये मैजिक बॉक्स है। इसको कहते हैं अक्षय पत्र। जिसको भी जीवन में कुछ भी तकलीफें आते हैं वो तकलीफें नाश के रूप में धन का दुरुपयोग होता है। आपको ऐसे नहीं कहते हैं कि पूरा की पूरा दान दो आपके पास कितना। बाबा कभी भी बच्चों से वैसे डिमांड नहीं करते हैं। बाबा अपने भाग्य बनाने के लिए आपका बैंक में कितना जमा करना है आप कर सकते हैं। आप सच्चे दिल में 1000 डाले तो भी एक ही प्राप्ति देते हैं, आप सच्चे दिल में 10 रुपया डाले तो भी एक ही प्राप्ति देते हैं। लेकिन बात आपका सच्चाई सफाई अंदर का बात है। परमात्मा को भावना के बच्चे प्रिय है, परमात्मा को दिल के रिश्ते बच्चे प्रिय है, दिमाग चलने वाले के कुछ भी यहाँ चलता नहीं। ये भंडारी नहीं, ये मैजिक बॉक्स है। कई सेंटरों में बहने बोलते हैं भाजी हमारा बिल्डिंग का काम इतना तक हो गया, तो हाथी जितना काम तो हो गया लेकिन पूंछ जितना काम रुक गए। समझ में आया आपको? हाथी जितना काम तो पूरा हो गया लेकिन हाथी के जो पूंछ होता है ना वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। क्यों? इसका कारण यही है जो धन सफल होना है वो श्रेष्ठ कार्य में नहीं सफल हो रहा है। एक भाई ने, इंजीनियर भाई ने मुझे बहुत सुंदर रीति से बताया, मुझे सुनकर बहुत खुश हुआ। भाई जी मधुबन में भंडारी में किस किस का कैसे कैसे हाथों का पैसा पड़ता है नहीं मालूम है, लेकिन ये पैसा पूरा भी एक सेग्रीगेट हो जाता है अकाउंट में। कैसे भाई जी? कई बार जो पैसा इतने आता है वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर तोड़ते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर तोड़ते हैं। किसी का पैसा बाथरूम बनाने में हो जाता है, किसी का पैसा बाबा के रूम में चले जाता है, किसी का पैसा बाबा के हॉल बनाने में जाता है, किसी का पैसा बच्चों के रहने का कमरे बनाना जाता है। इसका जैसा भावना श्रेष्ठ संकल्प, 1 रुपया 1 दाम भी हो, अपना भावना जैसा, अपना सच्चाई सफाई के जैसा ही वो पैसा पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर हमारा मन सच्चा नहीं, मजदूरी से जाकर के आप पैसा डाला, किसी के बहुत क्या कहते हैं उसको फोर्स करके पैसा डलवाया डालते हैं, अंदर आश नहीं इच्छा नहीं, वो पैसा हमको बाबा के श्रेष्ठ भवन बनने में निर्माण में नहीं होता है। जैसा आपके भावना तुच्छ होता है वैसा ही उसका स्थान भी तुच्छ में उपयोग होता है। यहाँ तक कर्म का विज्ञान है। इसीलिए ओम शांति भवन बनने तक हमारे प्रिय
प्रकाशमणि दादी जी बोला, किसी ने फॉरिनर ने बोला दादी आपको कितना करोड़ चाहिए, बोलिए ना हम भवन निर्माण के लिए देते, तो दादी एक्सेप्ट नहीं किया। सभी ब्राह्मणों का कितना चाहिए, बूंद बूंद से वो क्या करना है, भवन निर्माण। क्यों बोला गया, क्यों कहा गया, क्योंकि हर एक आत्मा का भाग्य निर्माण होता है श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भाग्य के लिए। हर एक ब्राह्मण आत्मा को पुण्य का खाता से ही अपना कल्याण होता है। तो जो पैसे वाला है वो एक पैसा लेकर के बनने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ सबका अंगुली चाहिए, सबका भी अंगुली चाहिए। आपके पास 100 रुपया है, उसमें 5 रुपया आप भंडारी में डाला तो भी आपका भाग्य भविष्य के लिए प्रोटेक्ट हो जाता है। आपके जीवन में आने वाली नाश या भोग का जो समस्याएं है, जैसे बोला हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास कोई ना कोई चोर आकर के चोरी करना, किसी ना किसी रीति से मिट्टी में मिलना, वो पैसा सभी भाग्य में चला जाता है। इसलिए कहने का भाव यह है, संगमेरु में धन परमात्मा ने हमको अपने भाग्य की रीति से करने के लिए दिया। अगर आपके जीवन में कभी भी धन का कमी होता है, कभी भी कोई ना कोई धन कमाने में किसी का हाथ लगकर उधर मेहनत होता है, उसका कारण आपके कुछ ना कुछ भूल है। एक बात बताता हूँ सभी सुनिए, आंध्र प्रदेश में अमलापुरम बोल के एक सेंटर है, वहां एक सुंदर सिस्टम है। सेंटर में जाते ही ऐसे राइट साइड में बाबा का कमरा है और फ्रंट साइड में बहनों का अकोमोडेशन किचन सभी है, और ऐसे सीढ़ी है बाबा के रूम के पास। वो जो बाबा का रूम है वो मंदिर जैसा सुबह 4 बजे को खुला जाता है, रात को 10 बजे को उस रूम को ब्लॉक किया जाता है। उस सारे गांव में वो बाबा का वो जो रूम है उसको ऐसे एक महान स्थान के रूप में पब्लिक स्वीकार कर दिया। जो बड़े ज्ञान में नहीं आते हैं रेगुलर, कभी कभी आते हैं, लेकिन भावना बहुत अच्छा रहते हैं। वो लोग ऐसा करता है, जब बाबा के रूम में आता है तो उसके पास कुछ भी हो, थोड़ा सा सब्जी थोड़ा सा अनाज कुछ ना, कम से कम इतना दूध वो सब रख के चले जाता है। कौन क्या रखता है, कौन क्या डालता है, कौन क्या क्या करता है पता नहीं चलता। बहन जी आकर के उधर रूम देखे तो सुबह से रात में पूरा भंडारी बड़ा 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 होता है, कभी भी सेंटर के लिए कुछ खास खरीदना ही नहीं होता है। क्योंकि एक बार सबसे मिलकर के अनुभव पूछा गया, आप लोग ऐसे क्यों रखते हैं, तो वो कहते हैं दीदी हमारा फसल में जो पहला जो निकला है वो बाबा के पास रख के गया तो हमको बहुत उसका लाभ मिलता रहा है, 1 का 100 गुना लाभ मिल रहा है, इसलिए हम उसको रख रहे हैं। कहीं एक बार एक सेंटर में ऐसा हो गया, एक भवन निर्माण के लिए पैसा का बहुत अनुभव, बहन जी ने बाबा के ऊपर चोट करके इतना निश्चिंत हो गया, बाबा अभी बचे हुए जो भी पैसा है वो आपका है, उसको कैसे लेके जाना आपका ही हाथ में है। ऐसे बोल के बहन जी ने 108 दिन तक पूरा अमृत वेला बाबा के पास रखते हुए बाबा पर छोड़ दिया। किसी ने ना रखे, किसी ने ना रखे, आप यकीन नहीं करते, आप मालूम भी नहीं होता है, किसी ने बाबा के फोटो के पास 5 लाख रुपया लगे चले गए। बाबा का जादू थे, इसी के लिए इसको बोला मैजिक बॉक्स। जीवन में हमको बाबा कभी भी कम नहीं करते हैं, और बाबा को हमसे कुछ भी अपेक्षा तो 100% नहीं रखते हैं। बाबा को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बाबा को चाहिए सच्चे दिल, और हमको अपने भाग्य बनाने के लिए जगत कल्याण करना ही पड़ेगा। पुण्य का खाता कैसे बढ़ेगा, अगर पुण्य ही नहीं है तो भाग्य कैसा निर्माण होता है। ये पुण्य के लिए बाबा भंडारी सिस्टम होता, इसलिए हम सबको भी पुण्य का खाता बनाना है। तो आज से हम सभी अपने जीवन में कभी भी पैसे का कमी ना पड़े, ऐसे जीवन में संगम में पूरा चाहता हूँ, और एक के 10 गुना 100 गुना बढ़कर के मेरे पास आते रहे। जैसे किसी को हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड आ जाता है नहीं आता है, ये रक्त का दान करता है तो रक्त आ जाता है नहीं फ्रेश आता है। किसी कुआं में पानी को ऐसे ले लेते हैं तो फ्रेश पानी उत्पन्न हो जाता है नहीं होता है। ऐसे ही हमको अगर भाग्य निर्माण करना जगत कल्याण करना है तो बाबा के एक मैजिक बॉक्स में आपको डाल करके एक बार देखना है। रेडी है वो मैजिक जीवन में देखने के लिए।
बिलीफ है परमात्मा का जादू का अनुभव करने के लिए। करेंगे सभी आप, करेंगे सभी आप एक पिकनिक, रेड फ्लैग डाल दो, आओ मेरा सभी डायरेक्शन सुनो, जिसको जाना बहुत जरूरत है अभी चले जाना, बीच में प्लीज प्लीज नहीं जाना, अभी ही जाना है तो चले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्जिंग है, कोई उठकर के दूसरों को डिस्टर्ब ना करे। आपका जीवन में 15-20 मिनट है, अगर आपको जीवन में कभी भी कमी ना होना है, जीवन में कोई भी बाकी में, तो आप देखो नहीं, आपको जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप जा सकते हैं। पहला डायरेक्शन मेरे से इंक्लूड होकर, जो भी टीचर बने हो, स्टूडेंट हो, कोई हो, किसी का जीवन में कभी कमी ना पड़े, इसलिए किसी को किसी को दिखाना नहीं, दिखावट की बात नहीं, 5 रुपया भी हो, 50 रुपया हो, 500 भी हो, किसी को किसी वो बात की नहीं है, नाम का बात नहीं, आप सभी पैसे को अपने दो हाथ में पकड़ो, कोई किसको भी दिखाना नहीं, आप जाने बाबा जाने, सभी पैसे पकड़ा, उधर हाथ पूरा हाथ उधर नहीं, सभी पैसे पकड़ा, बेचो बेचो पूरा हाइसिप हो गया, बाबा कहते हैं बेंगर टू प्रिंस, तो आज हम पूरा बाबा के लिए बेंगर बनने के लिए रेडी आए, उठो बेगर बनेंगे, बेगर बनेंगे, परमात्मा के लिए बेगर बनने के रेडी है, बेगर बना जाकर के किसी के पास वो दुनिया वाले कहता है कुछ दे दो, कुछ दे दो, ऐसा नहीं, बेगर का मतलब क्या है, सब कुछ दे रहा, बोला बाबा सब कुछ दे रहा, बाबा सब कुछ दे रहा, बाबा सब कुछ दे रहा, वो मेरा प्रॉपर्टी है, वो मेरा प्रॉपर्टी है, मैं तेरा प्रॉपर्टी है, मैं तेरा प्रॉपर्टी है। अभी हम क्या करेंगे, आपको एक योग का कॉमेंट भी देता हूँ, बहुत श्रद्धा से भावना से उसको करना है, अभी मैं म्यूजिक डाल करके कॉमेंट भी कराता हूँ, सभी बहुत भावना से अच्छी तरह से बैठो और ऐसे योग मुद्रा में रखो, कभी ऐसे नहीं रखना, ऐसे और पूरा क्लोज करके रखो, ऐसा ऐसे बैठना, ऐसा नहीं हाथ रखना है, ऐसा ऐसा हाथ रखो। अभी मैं जो कॉमेंट भी देता हूँ उस कॉमेंट्री को अच्छी तरह से सभी के अनुभव में लेके आए, बाद में जो कराना चाहता है वो करेंगे, सभी भी बाबा को ही देखना है, बाबा को ही याद करना है, सब अश्विनी आत्मा समझो, राइट, और एक माइक मुझे बहुत जरूरत है, परमात्मा के बच्चे, इस दुनिया में सबसे धनवान बच्चे, सारे कलप में मेरे जैसा धनवान, भाग्यवान, रिचेस्ट इन द कल्प कोई नहीं, स्वयं भाग्य विदाता, मेरा तकदीर लिखने वाले मुझे मिल गया, जो जीवन में पाना था वो सब कुछ में पा लिया, मेरा जीवन में सबसे बड़ा धन ज्ञान धन मिल गया, मैं शुद्ध आत्मा मेरे सामने सबसे बड़ी महान हस्ती परमात्मा को देख रहा, अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने खड़ा है, मुझे दृष्टि देते हुए बाबा कहते
से तुम रिचेस्टी कल्पा हो, जीवन में कभी भी तुझे किसी से कुछ भी मांगने का समय नहीं आएगा। तुम कुबेर हो, तुम कुबेर हो, तुम कुबेर हो, मेरे मीठे बच्चे, तू स्वयं भगवान के बच्चे हो। तुम्हारा पास जो भी है तुम्हारा भाग्य से मिला है। बच्चे, जितना तुम श्रेष्ठ कर्म में लगाएंगे उसका पद्मा गुण आपको फल मिल जाता है। मेरे लाडले बच्चे, पद्मों की कमाई करने वाले बच्चे, सर्वशक्तिमान के बच्चे, तुम्हारा जीवन में कभी कभी नहीं होता है। ऐसे कहते बाबा मुझे दृष्टि देते हुए, तुम बच्चे ज्ञान धन देविया हो, तुम बच्चे ज्ञान धन देवता हो। ज्ञान धन के पीछे स्थूल खजाना मिल जाता है। तुम सबसे बड़े कुबेर आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो। ऐसे कहते बाबा पूज्य स्वरूप दिव्य स्वरूप श्री लक्ष्मी देवी को, जो भक्तों का आराधना स्वरूप है, उसको मेरे सामने इमर्ज किया है। बाप दादा लक्ष्मी माता को, जो दुनिया का यादगार स्वरूप है, मेरे सामने भेजा है। मैं उस लक्ष्मी माता को देखते, ओ माता आपने मुझे आवश्यकता के समय सब कुछ दिया, मेरा पालना किया, जरूरत के समय सहयोग दिया है, आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। माता आप मेरे और मेरे घर के सदस्यों का पालना के निमित्त बने हैं। आप मुझको बहुत समय मेरा सहयोग किया है। मैं अगर कभी भी जाने अनजाने लोभवश कोई बुरा काम किया, बुरी तरह से पैसा कमाया, किसको दुख दे करके पैसा कमाया, किसको अशांत करके पैसा कमाया, कोई तरह के गलत तरीका से पैसा कमाया, तो मैं आपको क्षमा मांगता हूं। ओ माता मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मैंने आपको जाने अनजाने जीवन में दुरुपयोग किया, तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। पूज्य स्वरूप के लक्ष्मी द्वारा बाप दादा के किरणे उनके हस्तों से मुझे आ रहा है। मुझ आत्मा को परमात्मा बाप के दुआ मिल रहा है। बाबा मैं आज लक्ष्मी माँ के सामने आपको सामने रखते हुए मैं क्षमा मांगता हूँ। पैसा में जगत कल्याण में भी खर्चा करूंगा, पुण्य के काम में लगाएगा, गलत तरीके से नहीं कमाऊंगा, आपके प्रत्यक्षता में भी यूज करूंगा, आपको मेरा जीवन का बागस्वामी बनाऊंगा। बेटे बाबा
कहा कहा कभी कभी लोभवश किसी ना किसी रूप से मैं लालच में आकर के दुरुपयोग किया तो मुझे क्षमा कीजिए। बाप दादा लक्ष्मी माँ के मस्तक के द्वारा हस्तों के द्वारा ब्लेसिंग दे रहा है। हे मेरे भाग्यशाली बच्चे परमात्मा के वस्ते के बच्चे, तुम जैसे धनवान इस संसार में कौन भी नहीं, कभी भी तुम्हें कुछ भी मांगने का दरकार नहीं। समय अनुसार प्रकृति तुम्हें दासी बनेगा, समय अनुसार पैसा तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा पैसा श्रेष्ठ कर्म के लिए ही उपयोग होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पालना परमात्मा करता है, तुम्हारा भाग्य भगवान के पास है, कभी भी संकल्प नहीं करो। बाबा मेरे पास जो भी आता है वो मेरा नहीं आपका है। बाबा ये पैसा श्रेष्ठ कर्म के लिए उपयोग हो जाए, किसी का दुख मिटाने में उपयोग हो जाए, किसी को खुशी दिलाने में उपयोग हो जाए, किसी का जीवन परिवर्तन में उपयोग हो जाए, आपके प्रत्यक्षता में ये पैसा सफल हो जाए। बाबा मेरा आश यही है आपको प्रत्यक्ष करना, जगत कल्याण करना। ऐसे कहते बाबा को मैं बहुत प्यार से देख रहा हूं। बाबा दृष्टि देते तुम कुबेर बच्चे हो, तुम अक्षय हो, तुम्हारे पास कभी कभी नहीं पड़ता, तुम्हारे सब कुछ आवश्यकता प्रमाण मिल जाता, तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। तुमको सब कुछ आसान से मिल जाता है, तुमको सब कुछ आसान मिल जाता है। तुम प्रकृति के मालिक हो, तुम प्रकृति के मालिक हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। तुम्हारे ऊपर बृहस्पति का दशा है, तुम्हारे ऊपर बृहस्पति का दशा है। तुम्हारा रुके हुए काम पूरा हो जाता है, तुम्हारा अधूरा काम पूरा हो जाता है, तुम्हारा भंडार भरपूर है, तुम्हारा भंडार भरपूर है, भोलानाथ का भंडार भरपूर है, भंडार भरपूर है, भंडार भरपूर है। ऐसे बाबा मुझे कह रहा है, सभी अपने हाथ के पैसे को, केवल अपने हाथ में रहने वाले पैसे को, दोनों हाथों में रहने वाले पैसे को दृष्टि दे दो और सब संकल्प करो। आपके पैसे को दृष्टि दे दो और संकल्प करो, मेरे पास जो भी है वो पुण्य कर्म का पैसा हो जाए, मेरे पास जो भी हो है वो बाबा के सेवा में करने का निमित्त बन जाए। लौकिक वालों का पालना भी पुण्य कर्म के पैसे से हो जाए, कभी कभी नहीं पड़ता। सदा भरपूर, सदा भरपूर, लक्ष्मी माता मेरे से प्रसन्न है, मैं पुण्य कर्म से कमाता हूँ, मैं खुशी से कमाता हूँ, शांति से कमाता हूँ, श्रेष्ठ गुण शक्तियों से कमाता हूँ। I am richest in the kalpa, 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 मैं कुबेर हूँ। I am richest in the kalpa, मैं कुबेर हूँ। I am richest in the kalpa, मैं कुबेर हूँ, 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 मैं कुबेर हूँ। सभी शांति से इस धन को वाइब्रेशन दे दो। मेरे पास जो आता है वो बरकत नहीं होता है, बहुत 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 अनंत रूप में आता है। बहुत 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 भाग्यवान समझता हूं। सभी आंखें खोल करके एक डायरेक्शन को सुनो,
जो लेफ्ट हैंड में है ना, लेफ्ट हैंड सभी बताओ, लेफ्ट हैंड क्या होता है? बाई हाथ, जो बाई हाथ है उसको होता एक पैसा, जो बाई हाथ में है उसको अपना जोब में रखो या पस में रखो, जो बाई हाथ का पैसा आपके जोब में रखो या पस में रखो, लेफ्ट हैंड में कितना है वो पस में रखो या जोब में रखो, जो राइट हैंड है वो हम सब बाबा के राइट हैंड बच्चे वो जितना भी है, देखो बाबा कभी कभी नहीं करता है, बाबा कहते हैं लौकिक अलौकिक दोनों को निभाना है, ऐसे नहीं कि केवल अलौकिक को देखो लौकिक को आप छोड़ दो, ऐसे ज्ञान बाबा कभी नहीं दिया, दोनों को बैलेंस करना है। तो लेफ्ट हैंड का पैसा जो आपने जो पे रखा नीचे जो जो पे रखा उस पैसे को आपके घर वालों को अच्छा पालना के लिए यूज करो, उसकी अच्छाई के लिए यूज करो, कोई ना कोई रीति से उसको खुश को उस रीति से यूज करो, वो आपके परिवार की पालना, भले आप इससे कुछ फ्रूट ले लो, कुछ अनाज ले लो, कुछ ना कुछ रीति से उसको मनपसंद जैसा उसका तंदुरुस्त हो जाए, वैसे चीज लेकर के थोड़ा भी हो कुछ भी हो आपके घर में जाकर के भंडारी निकाल दो, वो वाइब्रेशन के साथ वो आपके घर में किचन में कुछ भी खरीद के आपने डाल दिया तो आपका किचन में कभी भी कुछ भी रेशन कभी नहीं होता है, क्योंकि आपने ब्लेसिंग के रूप में वो मनी को आपके परिवार के सदस्यों के पालना के लिए यूज करें। समझ में आया सबको? समझ में आया? और जो राइट हैंड है, जो राइट हैंड है उस पैसे को आपको कैसा करना है वो बताता। आप सभी पहले पहले आता है जो निमित्त उमा बहन जी और भाई जी आया, फिर मैं आता हूँ, फिर जो बहुत अर्जेंट है जाने में दो क्या अपने टांगे रेस में खड़ा रखा है वो आकर के डालेंगे और बाद में लाइन में शांति से करना है। कैसा करना है मैं आपको सिखाता हूँ, सभी सीखो। देखो मैं सिखाता हूँ, पहले बेंजी डालेगा जो एक है, बाद में बाजी डालेगा हम डालेंगे, अब जो अर्जेंट वाला है वो डालेंगे, बाद में सभी लाइन से डालेगा। कैसा करना है वो विधि को सभी को सिखाता है। आप सभी के सामने बाप दादा को देखो, अभिक्त बाप दादा को देखो, और बाबा ने आप सबको अपने हाथ रख करके सिर पर हाथ रख करके बोलते हैं, बच्चे तुम रिचेस्ट इन द कल्पा, ऐसे पांच बार बाबा से वो वरदान ले लो। कौन सा वरदान? रिचेस्ट इन द कल्पा, रिचेस्ट इन द कल्पा, रिचेस्ट इन द कल्पा, रिचेस्ट इन द कल्पा, रिचेस्ट इन द कल्पा। फिर संकल्प करो मैं कुबेर हूँ। क्या है? मैं कुबेर। मैं नहीं बोला ये शब्द, बाबा ने मुरली में बोला है वो बोल रहे हैं, मैं अपना खुद क्या बोल नहीं बोल रहा, मुरली का शब्द ही बोल रहा हूँ, मैं कुबेर हूँ। ऐसा समझते हुए किसी को देखना नहीं, यहाँ देखना वहां देखना, ये कितने पैसे डाल रहे हैं, ये रुपया डाल रहे, वो सभी हमारा नहीं, केवल आपका राइट हैंड में जो है मैं कुबेर हूँ, मैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, ऐसे समझते हुए भंडारी में। अभी पहले यहाँ बेंजी डालते हैं, इसको आप ऑर्डिनरी समझो नहीं, कितना आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बाद में आपकी देखते संकल्प बहुत अच्छी तरह से करना, जस्ट इन द वर्ड कुबेर।